سولفي دسرازي سولفي فيلو اغي هورا دامل وزي كنترول بلس في دسدا پاري اس کی مائی دوی والله کپ ایگزام کی په نظر ام نی دی خو سلاس می لاو کاو غن دی تور سنگ ایگزام سنگو مزید الحمدللہ نن په ماتو نی سر قسم دانو کو پتو او نو بی خو با سٹڈی دی نی پلی کو تا اس میچ برات چنتا हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम इट्स मी उमर अकबर सरकानी। तो आज के व्लॉग में आपको वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लास्ट पेपर हो रहा है फिजियोलॉजी का और अभी तक मैंने स्टडी की। अभी टाइम है 12:30 बजे और 2 बजे पेपर स्टार्ट होगा। तो आज मैं शायद थोड़ा वक्त पे जाऊँ क्योंकि मैं आज कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे कुछ शॉर्ट्स लूँ। और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं है लेकिन कॉलेज में मैं इंशाल्लाह कुछ शॉर्ट्स लेता हूँ और वो ब्लॉग में मैं ऐड करता हूँ तो आपको भी वहाँ के सीन्स दिखाता हूँ। तो अभी मैं यूनिफॉर्म चेंज करता हूँ और इंशाल्लाह जैसे ही पेपर के बाद मैं आऊँगा तो फिर मैं गाँव भी चला जाऊँगा वापस। और मैंने सारे बैग्स वगैरह पैक किए हुए हैं तो जैसे ही पेपर ख़त्म होगा फिर मैं इंशाल्लाह शाम के वक्त गाँव जाऊँगा। A few moments later. मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी मैं पेपर के लिए जा रहा हूँ तो चलिए कॉलेज में मिलते हैं। और आकिब को मैंने देखा रिक्शे में बैठा था और स्टडी कर रहा था। स्टूडियस बॉय है ये। खैर बखैर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हालात वाकयात। अच्छा तो हम लोग कॉलेज पहुँच चुके हैं और अभी हम उस तरफ जा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल की तरफ और वहाँ पर हमारे कुछ दोस्त हमारा वेट कर रहे हैं तो आइए उनसे मिलते हैं। मेरे ख्याल में फिर बारिश आने वाली है आज। आकिब आज पेपर कैसा होगा? बस यार दुआ करो नहीं तो मुश्किल है आज। संग चल रहे यार हालात वाकयात खरी। संग पेपर नन संग थोड़ा आसान है पता है रुस सुनी क्या भी आदिल से बात आदिल से मैं आराम करते ही ज्यादा रहमान खान स्वाते संग चल रहे यार का खराब पड़े हम कसम दे दोनों कार को मैं जैसे पेपर तक ना मैं तक ना داولی دشپین نور تسمل سے ہی بچ دشپین نور تسمل دام راو سی دے کو بھی نشان نور تسمل سمر مور ودی کی بیان نہیں خان روڈ پر نہیں چاہتا نا ہن کا سٹڈی سٹون نہیں پر تے نہیں روکے نہ سی زہ خود دے مانش بن سی میں ہاں ہائے مو بن سی میں اوے عقبا دغه امانه ډډ اپ سم تا دونه ټینشن هغه څه قسم نه لګ وقرار کې نه کوي ډوګې نه باندې کومه نه کومه ټینشن کې سون افټر 68 نمبر 68 کولې کې 72 دتاله سیوا در کوي تیمور څنګه چې پیپر څنګه وټه را سم چا نه پیپر را سي نو بیا در نه کو قسم نه لګر کو خوشاله خو خوشاله مې نه خوشاله مې ولې بس دوبه تر روانې ټیکټ مې دار لګړې پیپر دې پیل کړی څنګه مونږ هم ځان سره بوزا ها حاضر حاضر څنګه پیپر څنګه تا دې مې پاس پیپر دې کته لیو ها ان شاء الله او یا ان شاء الله پاس پیپر 68 انکه خو خو پیپر شه یوان پیپر یوان پیپر څنګه و پر خو شه را دا او سیلا کو در باندې نور غلی تخبیگی تخبیگی رپډ رشی هوا الله رکړو ما درته یو بچه د شپې کال کو تانه دې ټین کړي زو دو مګر یار ابي غمو هو دو کلیوال نه وړه دې بیٹا او بھائی سواد تب زینن پیپر ختم شو پیپر ختم شو سواد پتی زو آیا دار بندوا یا بس سواد اول تخو سیلا دې پلار می مزه نو لارې بند دي لارې خو بتا مې تا دي ډېر دنو یار مله فوټو مې تاسو ته ځم یار ځم مخه دې خخه سویټ کار شې دا سره له کار پای تل ها ओदी माने ला पास पेपर हो के नो वल्ला कम इन त पदम नो जे संगा चल ले पेपर डे रे अवन शो इंशाल्लाह टू लेकत मिटा टा गुड बाय आओ पीनो साइड से तो आरी ऑब्जर्वेशन आदि अवल चले बिलाला
यार के वाला संगा चल यार हाउ वाज योर पेपर पेपर कैसे हुए संगा में यार कली तो बजे रात अखकारी नन खुशहाल है और आता बोले उसी ये कंट्रोल प्लस सी जैसे ला पा रही है उसकी भाई तो भी सर जी सर जी आगे ला पा रही नहीं था सर जी दादा एम यहां से वो संगा चल यार अल्लाह का एग्जाम के पर नजर हम नहीं दे रहे खाओ क्लास में लाओ कहो गाना बी सूरत संगा एग्जाम संगा अल्हम्दुलिल्लाह ओ स्ट्रीम शुदा खैर सर मैं बगैर आदा स्ट्रीम शुद संगा चल मजीद अल्हम्दुलिल्लाह नंबर पर तो नहीं सर सोच लगा समझान को तो आओ नो चित है मैं मातू नहीं सर मिस्टर अफसान ए ए मिस्टर स्केलेटन मैं बी खुबा स्टडी कर रही हूं नस्ता है मैच पर आते टांग नस्ता है बाहर में दम से खबर मैं जीत से वे ना ना हिलान सेफ सके बोले पर उन्हें उम्र आता पाते अश्ना हमारा एग्जाम खत्म हो गया है और ये खुशी आपने देखी कितने खुश थे ये लोग ये लड़के बहुत ज़्यादा खुश थे और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अभी मैं गाँव जाऊँगा तो चलिए चलते हैं और यूनिफॉर्म चेंज करते हैं इंशाल्लाह फिर गाँव। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर पेपर के बाद मैं वापस आ गया हूँ और अभी इंशाल्लाह कुछ देर बाद मैं गाँव जाऊँगा लेकिन सबसे पहले कल वाला जो ब्लॉग है वो मैंने एडिट नहीं किया हुआ है तो मैं उसे एडिट करता हूँ और फिर उसे अपलोड करता हूँ तो फिर इंशाल्लाह मैं गाँव जाऊँगा और मैंने अपने सारे बैग्स बस पैक कर लिए हैं तो जल्दी जल्दी वीडियो में एडिट करता हूँ और फिर जाता हूँ इंशाल्लाह गाँव। बस वीडियो अपलोड हो गई है इसकी सिर्फ प्रोसेसिंग रहती है इंशाल्लाह ये हो जाएगा रास्ते में और बाइक भी मैंने बस सामान इस पर मैंने बांधी है और अभी मैंने कर रहा हूँ गाँव के लिए तो सिर्फ इस चाय का इंतज़ार है ये चाय मैं पी रहा हूँ और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं गांव में और ऊपर से बारिश का भी इम्कान है तो इसीलिए मैं जल्दी करता हूँ इंशाल्लाह कि मैं जल्दी पहुँचूँ तो आइए मिलते हैं गांव में। ज़खीर सर ये रखीली तरागले माँ और शासित खान जे तरागले मदल तक मुँह चक चक्कर रहा लगा आप पता दौड़ते चाहिए बोले पकड़े दो मैं दम से कहूँ ना जी छः पसे राजी अच्छे बस दकेली दा माहौल यार हमारा लेर मज़ा आ गई लेर खान गई और बोल अच्छे मुँह शौकिया नहीं मिलूँ बस अच्छे बोलते उसको संगे शासी से सवाल हुआ लेके हाँ बस यार मुँह बस वो सनी वायदा बुआ जी भी हमारा दे दिया ब्याह ब्याह राजे का खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं गाँव पहुँच गया हूँ और मैं तो बहुत जल्दी पहुँचा था तकरीबन एक घंटे में मैं पहुँचा लेकिन अभी तक मैं थोड़ा बिजी हो गया था क्योंकि तकरीबन मैंने 7 दिन मरदान में गुजारे तो इसी वजह से ज़्यादातर टाइम मैंने फैमिली वालों के साथ गुजारा और साथ साथ में दोस्तों के साथ भी काफ़ी देर तक उनके साथ मैंने गपशप लगाई जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो ऐसा है यार कि अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम हमारा ख़त्म हो गया है आज हमारा लास्ट पेपर था फिजियोलॉजी का और जो कि बहुत ही आसान था माशाल्लाह बहुत सिंपल पेपर था सिंपल तो नहीं था टफ था अलबत्त ऐसा था कि पास पेपर से भी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे और बस अटेम्प्टेबल था इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था तो अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है लेकिन अभी भी वाइवास रहते हैं लेकिन वो इंशाल्लाह इतने मुश्किल नहीं है आसानी के साथ हो जाएंगे तो ऐसा है कि हम फ्री हो गए हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हो गए हैं हम और आज से एशिया कप भी शुरू हुआ और कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी है तो उसके लिए हम बिल्कुल फ्री हो गए हैं तो इसी वजह से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं क्रिकेट बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ तो अभी ऐसा है कि मैं वीडियो एडिट करता हूँ तो ऐसा करते हैं कि आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दौरान मिलेंगे तो चलिए कल के व्लॉग में मिलते हैं अल्लाह हाफिज़ बाय बाय।